हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि भाई ट्रिपल आर मूवी ने कैसे ही झंडे गाड़े हैं हर तरफ। भाई ट्रिपल आर ट्रिपल आर ट्रिपल आर, इस मूवी ने इतना ज्यादा धमाल मचाया कि भाई ये ऑस्कर तक पहुंच गई है। बाहुबली ट्रिपल आर मूवी के बाद भाई क्यूरियोसिटी जागना तो बनता है कि भाई आने वाला प्रोजेक्ट क्या ही होने वाला है। जैसा कि तुम सभी लोगों को पता होगा कि जो राजा मौली का आने वाला प्रोजेक्ट है उसमें महेश बाबू काम करने वाले हैं, जिसका नाम अस्थायी रूप से SSMB29 रखा गया है। बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आ गए इसमें, पर मजे की बात तो ये है कि भाई हमारे थॉर भाई साहब, जी हाँ क्रिस हेम्सवर्थ की बात हो रही है। कल मैं ऐसे ही ब्लॉग पढ़ रहा था जिसको देखकर मैं एक तरीके से शॉक सा हो गया था कि हमारे जो राजा मौली का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें हमारे थॉर भैया कैमियो करने वाले हैं। देखो ये सच हो ना हो पर सुनकर गांठ जरूर फट गई। वैसे तो हम लोग ने क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन मूवी तो देखी थी जो कि लिटरली एक तरीके से इंडिया पर बेस्ड थी और पूरी मूवी में एक तरीके से देसी वाला फील आ रहा था। और अगर सच में क्रिस हेम्सवर्थ का कैमियो आने वाला है भाई साहब बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। मतलब कि कैमियो के बारे में सुनने से एक तरीके से एक्साइटमेंट आता है और जब राजा मौली इन सभी चीजों को अपनी स्टोरी में इंक्लूड करेंगे तो अलग ही देखने के लिए मिलेगा। तो भाई वीडियो इतना ही था और डेली अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई ये